एक गणखंड है बेटा, एक काव्य खंड है। आज हम काव्य खंड करेंगे, क्षितिज बुक का काव्य खंड करेंगे। और फर्स्ट लेसन है हमारा सूरदास। सूरदास जी इसके कवि हैं और इस लेसन का नाम है पद। तो सूरदास जी के पद हैं ये। सूरदास जी ने श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में बताया है इस लेसन में कि जो श्री कृष्ण जी होते हैं वो मथुरा चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अपना जो मित्र होता है उनका उद्घोष को भेजते हैं योग संदेश लेकर। किसके पास बेटा? गोपियों के पास। तो उस योग संदेश को सुनकर जब गोपियां उल्हाना देती है, किसको? उद्घोष को उल्हाना देती है। तो उसका वर्णन इसमें किया है, गोपियों की मनोस्थिति के बारे में बताया है। तो आज ऐसे हम पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहीं मन अनुरागी। उद्धव बेटा उनके मित्र का नाम है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है बेटा सौभाग्यशाली, अच्छी भाग्य वाला। जो गोपियां हैं वो उद्धव को उल्हाना देते हुए कह रही है, उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अप्रस रहन स्नेह तगाते, अप्रस का मतलब होता है बेटा दूर, और तग स्नेह का मतलब होता है प्रेम, और तगा होता है बंधन। तो इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव को कह रही हैं कि तुम जो श्री कृष्ण जी का जो प्रेम है उससे तुम दूर रहे हो, उनके बंधन से तुम दूर रहे हो। ना ही मन अनुरागी, तुम्हारा जो मन है उसमें उससे मोहित नहीं हुआ है, मुक्त नहीं हुआ है। पुर एनी पात रहत जल भीतर, तारस देह नै दागी। पुर एनी का मतलब होता है बेटा कमल का फूल, ठीक है। पात होता है पत्ता, जल पानी भीतर अंदर, तारस तारस देह नै दागी। इसमें इन्होंने जो गोपियां इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कमल का पेड़, कमल का पौधा जल में बहकर और उस जल का पानी अपने ऊपर नहीं आने देता, अपने कमल के पत्तों पर नहीं आने देता,
मन की बात किसको बताएं। वो गोपी अपने मन की बात किसको बताना चाहती थी? श्री कृष्ण जी को मन की बात बताना चाहती थी। अब भी अधार आस आवंगी तन मन विधा सही। वो गोपियां कह रही कि हमें आस थी, हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे और हमारी मन की बातें सुनेंगे। अब इन जो संदेश ने सुनी बिरहनी बिरह दैया को कह रही है कि अब जब तुमसे हमने जब योग संदेश सुना तो हम योग में जीने वाली बिरह की आग में हो गए हैं कि हम दुख में जी रहे थे, दुखी हो रहे थे और जब तुमने योग संदेश दिया तो हम और भी दुखी हो गए हैं। चाहती उठी गुहारी जी दही दे उत्ते उत्ते धार बही। इसमें कह रहे हैं कि चाहती उठी गुहारी, गुहारी का मतलब होता है रक्षा के लिए पुकारना, जिधरी का मतलब होता है जहां से। उत्ते उत्ते धार बही वो कह रही है कि हम अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी को बुलाना चाहते थे लेकिन उन्होंने तुम्हारे द्वारा हमारे पास योग संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर रही क्यों मर्यादा न रही। इसमें मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा और लही का मतलब होता है नहीं या रखी। अब वो कह रही है कि हम अपनी धीर मतलब हम अपना साहस, हम अपना जो दुख है सॉरी दुख है वो किसको बताएंगे। और श्री कृष्ण जी ने तो योग संदेश भिजवा दिया है लेकिन हमारी जो मन की बात है हम वो किसको बताएंगे, हमारी मन की बात मन में ही रह गई। तो इसमें भी जो गोपियां हैं उद्धव को उल्हाना दे रही है, कह रही है अपनी मन की बात भी बता रही है, उनको उल्हाना भी दे रही है, कह रही है कि हमारी मन की बात मन में ही रह गई है। अब बताइए हम अपनी ये बात किसको बताएं। हम ये अपनी बात श्री कृष्ण जी को बताना चाहते थे लेकिन उन्होंने आपके द्वारा हमें क्या भेजा है, योग संदेश भेज दिया है जिसको सुनकर हमें क्या हुआ है, बहुत ही दुख हुआ है। उनको आशा थी, उम्मीद थी कि वो श्री कृष्ण जी एक दिन आ जाएंगे और वो कह रही है कि अब हम कहां तक मतलब उनका इंतजार करें। धीर धरी क्यों मर्यादा न रही, मतलब कि हम मर्यादा में रह कर उनसे इतना प्रेम करते हैं। तो ये हमारे दो कंप्लीट हो गए। तीसरा देखो बेटा, हमारे हरि हारि की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन यह दृढ़ करी पकड़ी। इसमें क्या कह रहे हैं, जब वो योग संदेश लेके आते हैं उनको तो उनको कह रहे हैं गोपियां कि तुम योग संदेश निर्गुण भक्ति का लेके आए हो लेकिन हम शगुन भक्ति करते हैं, हम सिर्फ श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करते हैं। हमारे हरि हारे, हरि का मतलब होता है बेटा भगवान, ठीक है। हारी एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में मतलब पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रखता है। लकड़ी मतलब लकड़ी। वो कहती गोपिया कि हम एक हारी पक्षी की तरह हैं, जो हमेशा अपने साथ अपने पैरों में क्या रखा है, श्री कृष्ण जी का नाम रखते हैं हम अपने मन में, ठीक है। मन करम वचन नंद नंदन को यह दृढ़ करी पकड़ी। मन करम वचन नंद नंदन नंद का बेटा श्री कृष्ण जी यह दृढ़ करी पकड़ी कि हमारा दृढ़ निश्चय है, हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम सिर्फ श्री कृष्ण जी को ही प्रेम करेंगे। जगत सौगत सौपन दिवस निजी कामना कहना जगरी। वो कह रहे हैं कि जगत सोता है तो वो आराम से सोते, मतलब लोग सोते तो आराम से सोते लेकिन हमें दिन रात सपने में भी श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण जी के प्रेम में बहुत मगन हो चुकी थी। उनको जो जागते सोते हमेशा क्या दिखाई देते थे, श्री कृष्ण जी ही दिखाई देते थे। सुनत जो लागत है ऐसो जो करुए पकड़े। और जो तुम योग संदेश जो लेके आए हो उन्हों को कह रही गोपियां कि जो तुम योग संदेश लेकर आए हो करुई ककड़ी, करुई का मतलब होता है बेटा कड़वी, ककड़ी ककड़ी। जो तुम योग संदेश लेके आए हो वो एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, मतलब कि हमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि जो तुम योग संदेश लेकर आए हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ने करी।
आई है। आगे देखो बेटा, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात क्या है सब करके। इसमें जब जो द्वारा लोग संदेश सुनती है तो वो क्या कहती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। क्यों हुआ है बेटा, क्यों कह रही है कि एक तो हमसे कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति में लीन है, ऊपर से श्री कृष्ण जी के द्वारा हमारे पास योग संदेश भेजते हैं, तो वो कह रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, इस पहले में ये बताया है। अब आप आगे देखो, हरी है राजनीति बढ़ी आई, वो कह रही है गोपियां कि जो हरी है, हरी मतलब श्री कृष्ण जी भगवान, हरी कृष्ण जी राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने राजनीति सीख ली है, समुझी बात है मधु करके समाचार सब पाए। किसके द्वारा अनुमान लगा रही है कि जब जो मधुकर, मधुकर का मतलब बेटा वैसे तो बौद्धा होता है लेकिन यहाँ पर मधुकर के लिए प्रयोग हुआ है, वो कह रही है कि जो उद्धव द्वारा जो संदेश है उसको सुनकर उनको लगता है कि जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने राजनीति सीख ली है। एक आती चतुर होते पहले ही आप गुरु ग्रंथ पढ़ाए, वो गोपिया कह रही है एक तो श्री कृष्ण जी पहले से ही चतुर थे, पहले से ही चालाक थे और ऊपर से उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, वो कह रही है कि उनकी जो बुद्धि है बहुत ही चालाक वाली है, चतुर है, जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है, इसके द्वारा किसको गाया है उद्धव को, ये योग संदेश पढ़ाकर भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत भाए, वो कह रही है कि उद्धव भले लोग हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, भला करते हैं, हित मतलब भला, दूसरों का भला करते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत झूठे चुराए, अब वो कह रही है कि श्री कृष्ण जी ने तो योग संदेश भेज दिया है लेकिन जो हमारा मन है, जो श्री कृष्ण जी हमारा मन चुरा कर लेके गए हैं, जो मन हमारे पास है ही वो श्री कृष्ण जी के पास है, तो अब बताओ हम कैसे उनसे प्रेम करना छोड़ दें, क्योंकि हमारा मन हमारे पास नहीं है। तैयू अनिति करे आप जय और अनिति चुड़ाए, कि राजा का काम क्या होता है बेटा, प्रजा की भलाई करना, कि जो हम काम कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छा काम है, तो श्री कृष्ण जी हमसे ये भक्ति क्यों छीनना चाहते हैं। राजा धर्म तो यह सूर जो प्रजा में जागी सताए, राजा का धर्म वही होता है जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाए, अर्थात इसमें गोपिया कहना चाह रही है कि श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ धोखा किया है, अन्याय किया है, कि जो उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश लेकर भेजा है, हमारा मन हमारे पास है ही नहीं जो श्री कृष्ण जी के पास है, और कह रही है इसमें कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति सीख ली है, वो पहले से ही बहुत ही चतुर थे और उसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ भी सीख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और जो जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों का हित चाहते हैं लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जी हमसे हमारी भक्ति छीन रहे हैं, और जो राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की भलाई करना, लेकिन यहाँ पर जो राजा है, राजा किसको कहा है, श्री कृष्ण जी को कहा है कि राजा है वो हमें सताए जा रहे हैं। तो इस लेसन में बेटा सूरदास जी ने गोपियों की मनोस्थिति है उसके बारे में बताया है, श्री कृष्ण जी योग संदेश पहुंचाते हैं किसके द्वारा, उद्धव के द्वारा, लेकिन गोपियां उद्धव को बिहाना देती है और
पंक्तियां लिपट जाती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण जी की भक्ति में इसी प्रकार लीन हो चुके हैं, जो हमसे अब ये नहीं त्याग नहीं होगा। तो इस लेसन में इतना ही है बेटा, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है।